सब्सक्राइब कीजिए इस यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल के आइकन पे, ताकि फ्यूचर में आने वाला हर एक वीडियो आपको मेल और नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगा सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं डीएनए। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि झारखंड में रेसिडेंशियल इनकम कास्ट कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, हाल ही में झारखंड सरकार ने अपना वेबसाइट का जो URL है, जो लिंक है जहां से हम लोग अप्लाई करेंगे, उसका URL उन्होंने चेंज कर दिया। पहले था onlineservices.jharkhand.gov.in, बट वो आप जब वेबसाइट जा करके गूगल पे खोलेंगे आप, तो देखिए मैं गूगल पे चल गया और यहां पे टाइप कर रहा हूं सर्विसेज ऑनलाइन झारखंड, ठीक है ना। तो देखिए ये लिंक आ रहा है जो पहले था servicesonline.jharkhand.gov.in। जब इस वेबसाइट पे आप जा करके खोलेंगे तो ये वेबसाइट अब नहीं खुलेगी, क्योंकि ये वेबसाइट ब्लॉक्ड हो चुकी है गवर्नमेंट के द्वारा। आप यहाँ से जा करके अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब नया जो वेबसाइट का लिंक है वो देखिए jharseva.gov.in है। इस वेबसाइट पे जाएंगे और पहले से जो आपका क्रेडेंशियल बना हुआ है, आप बिल्कुल यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा और जो भी सर्विसेज पे आप जो पहले काम करते थे, बिल्कुल फिर से आप उसी प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे और काम करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये लिंक जो है झारखंड का jharseva.jharkhand.gov.in, इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जा करके ले सकते हैं आसानी से। आपको ढूंढने का ज़रूरत नहीं, आप गूगल पे ढूंढेंगे तो अभी गूगल पे नहीं आया है, क्योंकि हाल ही में एक दो दिन पहले इन्होंने चेंज किया है ये डोमेन नेम, तो अभी तक गूगल में नहीं आया है। अभी वही पुराना वाला ही दिखा रहा है onlineservices.jharkhand.gov.in, जो कि वो आप काम नहीं करेगा आपका। देख लीजिए ये एरर आ रहा है। तो अभी ये नया वाला डोमेन जो है ये आप ले सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या तो खुद से सर्च कर सकते हैं jharseva.jharkhand.gov.in, ठीक है ना। तो दोस्तों, यहाँ से आप घर बैठे रेसिडेंशियल इनकम और कास्ट बनवा सकते हैं। आपको कैसे बनवाने हैं ये सब थोड़ा सा मैं रिव्यू कर देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले आपको एक यूजर बनाना होगा यहाँ पे, रजिस्टर्ड योर सेल्फ करके। जब यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे सक्सेसफुली, तो इसके बाद आप लॉगिन बटन पे आ जाएंगे। लॉगिन बटन पे आने के बाद आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड इंटर कर जाइएगा। इंटर करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है आपको। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना क्रेडेंशियल डाल करके लॉगिन कर लिया हूँ सर्विस प्लस पोर्टल पे, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विसेज, यहाँ व्यू सर्विसेज में जाएंगे तो बहुत सारा सर्विसेज आपको यहाँ पे देखिए मिल जाएगा। जैसे आप इनकम सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं, झारखंड सोशल सिक्योरिटी पेंशन। तो आप यहाँ से जो लोग विडो हैं, जो लोग हैंडीकैप्ड हैं, उन लोगों का पेंशन का काम यहाँ से कर सकते हैं। और आप लोकल रेसिडेंसी के लिए यहाँ से क्लिक करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कैसे फॉर्म्स फिलअप किया जाता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है फॉर्म फिलअप करने के लिए, ठीक है ना। तो मेरा मकसद यही था कि ये जो डोमेन नेम चेंज हो गया है, इसको आप तक जानकारी देना, कि आप गूगल पे जा करके जो टाइप करते थे झारखंड सर्विसेज ऑनलाइन करके, वो अब आप नहीं खुलेगा वो वेबसाइट। देखिए ये आ रहा है पहले वाला, जो कि अब काम नहीं कर रहा है। आपको टाइप करने हैं यहाँ पे झार सेवा, जब झार सेवा टाइप करेंगे तभी ये वेबसाइट खुलेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट के माध्यम से मेरे को बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ सब्सक्राइब का बटन है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का कोई भी पैसा नहीं लगता है। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो फ्यूचर में आने वाला हर एक वीडियो आप तक मेल और नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुँच जाएगा सबसे पहले। तो थैंक यू दोस्तों।